आई नो बहुत ज्यादा परेशान करे ना आपको आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं की कि स्प्लेटेंट्स पे भी एक वीडियो लेके आओ तो मुझे लगा इसमें एक और वीडियो तो बनता है बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये वाला जो कॉन्वर्सेशन है इंस्टाग्राम का कॉन्वर्सेशन है मेरी सब्सक्राइबर का देख सकते हो इनके केस में क्या था एवरी टेन डेज लिटरली एवरी टेन डेज टू गेट स्प्लेटेंट्स मतलब समझ रहे हो स्ट्रगल कितना है कि हर दस दिन कौन जाएगा इतनी ट्रिमिंग के लिए या खुद से भी करेगा तो कितना बट शी फॉलोड द दैट आई सजेस्टेड सो इसीलिए आज की वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि स्प्लेटेंस को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो स्प्लेटेंट्स के रीजन क्या है क्यों आ जाते हैं और उसके साथ साथ के क्या टाइप्स हैं और कौन सी होम रेमेडीज पे आप रिलाई कर सकते हो स्प्लेटेंट्स को पाने के लिए सो so,

बाल होते हैं ना उनमें एक फ्रिक्शन सा जनरेट हो जाता है एक स्टैटिक फोर्स जनरेट हो जाता है जो कि विंटर्स में मेनली होता है क्योंकि उस टाइम पे आप हैट्स ये सब पहनते हो तो उसका सोल्यूशन में आप ज्यादा से ज्यादा ब्रेड वगैरह करके रखोगे तो आपके बाल ज्यादा अच्छे से सिक्योर रहेंगे फोर्थ रीजन ये होता है कि आप प्रॉपर स्ट्रीक्स कराते हो एक ही बारी की सेटिंग में आपके बालों को ड्रास्टिक कुछ देखने को मिल सकता है इनफैक्ट मेरे सराउंडिंग में भी है उन्होंने अपना हेयर कलर कराया था जबकि अच्छा खासा उन्होंने पे किया था और एक अच्छे ब्रांड से किया था बट एक ही बारी में उनके

करते हो ना तो कभी भी ऐसे मत करो डायरेक्ट बालों में ऐसे डाल डाल के उससे क्या होता है आपकी जो हीट होती है ना आपके बालों के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा क्लोज आती है सो so, उसके अलावा आप ऐसे कर सकते हो इस डायरेक्शन में जब आप होल्ड करते हो और उसके बाद जब ब्लो ड्रायर देते हो तो आपके बालों में वो एडवर्स इफेक्ट वो नहीं दे पाता So, एक जस्ट प्रैक्टिकल सी चीज है एक नॉर्मल सी टैक्टिक्स है जो कि आप फॉलो करके अपने बालों को सही तरीके से मेंटेन कर सकते हो। और अगला रीजन होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा हॉट और ह्यूमिड वेदर में रहते हो अगर आप एक ऐसी कंट्री में रहते हो ना अगर वो गल्फ में पड़ती है गलती से तो फिर तो आप गए क्योंकि उसके जो बाल होते हैं ना वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं बहुत ज्यादा केयर मांगते हैं बट ऐसा नहीं है कि आप उस वाले फैक्टर की वजह से अपने बालों को जो है बेकार होने दो अगर आप एक्स्ट्रा केयर करते हो तो आपके बाल हेल्दी स्टेट में रहते हैं आपको उसके लिए पता होना चाहिए किस तरह से केयर करनी है एंड दैट्स आई ट्राई टू टेल यू थ्रू दिस चैनल आप चाहते हो तो आप कर सकते हो इट्स नॉट इम्पॉसिबल इफ यू नो द राइट थिंग्स यू कैन डू दैट अब आपको लगेगा कि एक वीडियो में आपने ही बताया था कि हेयर ग्रोथ जो होती है और स्प्लिट एंड्स होता है वो दोनों डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है सो रीजन बीन क्योंकि आपके बाल यहाँ से ग्रो होते हैं यहां से नहीं बट आपकी जो हेल्दी हेयर ग्रोथ होती है आपके बालों में जो बाउंस होता है जो सॉफ्टनेस होती है जो शाइन होती है जो लेंथ प्रॉपर तरीके से बढ़ती रहेगी कहीं ना कहीं हैम्पर तो करते ही है देखो स्प्लिट एंड्स क्योंकि स्प्लिट एंड्स जो होते हैं आपके दो मुए बाल जो होते हैं वो धीरे धीरे ऊपर जाते रहते हैं जैसे आपका बाल नीचे से पहले डैमेज होना शुरू होगा फिर धीरे 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 वो ऊपर जाता रहेगा वो ऊपर जाता जाएगा और जितना ज्यादा वो ऊपर जाता जाएगा ऑब्वियसली आपका पूरा स्टैंड खराब करता जाएगा फिर हम उस हेयर ग्रोथ का करेंगे क्या क्योंकि अल्टीमेटली हमें उसे काटना पड़ेगा तो so, अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी होम रेमेडीज जिसको अगर आप फॉलो करते हो या फिर जिनके साथ आप रेगुलर होते हो तो आप डेफिनेटली इसमें चेंजेस देखोगे ही देखोगे जो सबसे पहली रेमेडी है दैट इज सिंपली एन ऑयल मतलब एक ऑयल है आप उसे अपने हेयर केयर रूटीन में ऐड करो और आपके बाल जो है वो बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज होंगे जितने ज्यादा आपके बाल मॉइस्चराइज होंगे उतना कम चांसेस होगा उसमें बार बार स्प्लिट आने का सो so, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना है दो टी का ऑलिव ऑयल और जिसमें आप एड करोगे एक और ऑयल जिससे कि ये थोड़ा बहुत पतला पतला सा हो जाए और वो ऑयल दो ऑप्शन है आप कोई भी चूज कर सकते हो या तो आप कोकोनट ऑयल डाल सकते हो या फिर आप आमंड ऑयल डाल सकते हो सो दो चम्मच ऑलिव ऑयल और एक चम्मच आमंड ऑयल बस दोनों को मिक्स करना है और आपको अपनी स्ट्रेंड्स

करती थी इन चीजों में बट हाँ जिसका बजट है तो वो कर भी सकता है बट अगर आपको लगता है आपका बजट इतना ज्यादा नहीं है आपका इतना टाइम नहीं है तो ऑब्वियसली आप कुछ ऐसा चूज करोगे जो कि बहुत ज्यादा सिंपल हो सो so टू स्टेप प्रोसेस है उसका जो स्टेप नंबर वन है वो एक हेयर मास्क है इस वाले हेयर मास्क को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज हमें चाहिए दैट इज पपीता यानी कि पपाया उसमें तो ऐसी क्वालिटीज होती है ना कि आपके बालों को वो बहुत जल्दी मॉइस्चराइज करेगा आप अगर एक बार भी आपने अभी तक नहीं लगाया ना पपाया अपने बालों पे लगा के देखो आपको बहुत जल्दी वो मॉइस्चराइज करेगा आपको नहीं मतलब के के बालों को <laughs> उसको बनाने के लिए आपको आपको कुछ भी नहीं करना आपको थोड़ा सा पपीता लेना है आप अपने बालों की लेंथ और तो वॉल्यूम के हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हो मैंने यहाँ पे इतना स्लाइस आपको जैसा दिख रहा है वो लिया है आप चाहो तो आप इसे एक फोक की मदद से भी मैश कर सकते हो बट उस केस में क्या होता है इसमें लम्ब छूट जाते हैं सो अगर बेटर तरीका आपको चाहिए ज्यादा स्मूथ कंसिस्टेंसी का पेस्ट चाहिए तो उस केस में आप इसे ब्लेंड करना। सो so, मैंने करनाटली फाइव टू सिक्स बड़े पीसेस पपाया जो है वो हेयर मास्क के लिए यूज किया और बाकी जो है वो मैंने खाने के लिए यूज किया क्योंकि हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है पपाया में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारी स्किन का जो नॉर्मल स्पीड होता है कोलेजन बनाने का उससे ज्यादा बढ़ा के हमें देता है तो इसीलिए और दूसरा अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हो तो पपाया आपको अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए आपको बहुत अच्छे से हेल्प मिलेगी सो so, मैंने यहाँ पे इसके छोटे छोटे पीसेस काट के और उसे डाल दिया अपने ब्लेंडर में और इसमें हम ऐड करेंगे अपनी नेक्स्ट चीज़ जो कि है दही दही तो बहुत अच्छी है मतलब दही का ऐसा है कि आ, कौन सा डायलॉग था वो नाम ही काफ़ी है कुछ तो एक ऐसा डायलॉग था <laughs> तो दही के केस में वही काफ़ी है दही इतनी अच्छी है बस मतलब दही मतलब बात खत्म सो so मैंने यहाँ पे जो दही डाली है वो तीन चम्मच डाली है ठीक है थ्री टेबल स्पून डाली है अब हम इन दोनों को बहुत अच्छे से ग्राइंड करेंगे अब इस वाले हेमास में हम ऐड करेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट विच इज ऑलिव ऑयल ऑलिव ऑयल इज़ बहुत कुछ फॉर योर हेयर अगर आपको ब्रेकेज का इशू है अगर आपके बालों में ड्राइनेस है अगर आपके स्प्लेटेंट्स जल्दी आते हैं अगर आपके बाल बहुत जल्दी टूट जाते हैं थोड़ा सा ऐसे आप कोम करते हैं और वो टूट जाते हैं तो उसके इस में आप ऑलिव ऑयल के साथ थोड़ा रेगुलर होकर देखो आपके बाल जो है ना बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से इंप्रूव होंगे आप करके देखो ये वाला आपको अपने पूरे स्ट्रैंड्स में लगाना है इसको क्योंकि स्प्लेटेंट्स का जो मेन रीजन होता है वो स्ट्रैंड्स में मॉइस्चर की कमी है तो ऑब्वियसली स्ट्रैंड्स में लगाना है स्कैल्प में लगाने का कोई वो नहीं है रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो हम क्यों लगाएं सो so, मैंने यहाँ पे लगाया है पूरा का पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ऊपर से लेके नीचे तक अच्छे से आपने पूरे स्टैंड्स में लगाओ इसको आप सिर्फ 20 मिनट तक रखो या मैक्सिमम 25 इससे ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है उतने टाइम पे ये बहुत अच्छे से आपके बालों को मॉइस्चराइज़ करेगा बहुत अच्छे से आपके बालों को सॉफ्टन करेगा और धीरे धीरे आप देखोगे आपके स्प्लेटेंट्स में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी उसके बाद आप शैम्पू कर लेना शैम्पू करने के बाद हमारा स्टेप नंबर टू आता है एक और स्टेप नंबर टू के लिए हम एक हेयर रिंग्स बनाएंगे ये वाला जो हेयर रिंस है ना ये आपको जरूर जरूर जरूर, जरूर ट्राई करना चाहिए अगर आपने अभी तक ये वाला इंग्रेडिएंट नहीं यूज़ किया तो आपने डेफिनेटली कुछ अच्छी चीज चीज मिस की है मेरे केस में मैं ये चीज़ जो मैंने लगाई थी फर्स्ट टाइम दैट वाज ऑलमोस्ट इयर्स सोचो मतलब और तब से मैं इसे ऑन एंड ऑफ यूज करती हूँ ये बहुत जल्दी मॉइस्चराइज करेगा आपके बालों को मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने यूज किया है सो उनको तो पता ही होगा कि मैं क्यों इतनी तारीफ कर रही करी उस वाले इंग्रेडिएंट की दैट इंग्रेडिएंट इज हनी हनी जो होता है आपके बालों को ना एकदम से मॉइस्चराइज करता है मतलब अगर आपने एक ही बारे में लगाया आपको एक ही बारे में समझ आ जा जाएगा कि यार ये कुछ सो बात है हनी में आपको एक ही बारे में ऐसी फीलिंग आएगी सो so, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही करूँ कि आप हनी लगा के देखो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा इसमें सो so, इस वाले हेयर रिंग्स को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें चाहिए वन टेबल स्पून ऑफ हनी ठीक है वन टेबल स्पून मतलब पंद्रह एम एल की जो आती है वो वाली बड़ी वाली वो हमने हनी डाल दिया अब हम गैस पे पैन रखेंगे और वहां पे आप फोर कप्स का पानी डालोगे फोर कप्स का पानी आप इसे बिल्कुल स्टीमिंग हॉट नहीं बनाओगे आप इसे हल्का सा गुनगुना सा बनाओगे जिसे हम ल्यूक वम बोलते हैं गुनगुना पानी वो आप बनाओगे उसके बाद आप इसे ऑफ कर देना क्या होता है जब भी आप कभी स्पा करते हो इवन आप पार्लर्स में भी जाते हो जब स्पा लेने तो वो क्या बोलते हैं कि आपको हम पहले स्टीम देंगे और फिर हेयर मास्क लगाएंगे ऐसे में क्या होता है आपके बालों के जो क्यूटिकल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं उसमें जो आप नेक्स्ट चीज डालते हैं वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होती है और अंदर आपके क्यूटिकल्स में लॉक होती है जिसकी वजह से आपके बाल जल्दी मॉइस्चराइज होते हैं जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं ये फायदा होता है आपको तो शैम्पू के बाद आपके बाल अभी भी गीले ही है आपने उसमें अपना हेयर रिंग्स यूज कर लिया So, आपको सिंपली उडेल देना है और वो आप अपसाइड डाउन कर सकते हो ज्यादा लंबे बाल हैं अगर छोटे हैं तो आप ऐसे भी डाल सकते हो जो आपको ज्यादा कन्वीनियंट लगता है वैसे आप इसे यूज कर सकते हो और उसके बाद आपको वेट करना है जस्ट जस्ट फॉर फॉर मिनट्स मिनट्स आपको वेट करना है और उसके बाद पानी से नॉर्मल पानी जो आपका है उससे रिंस कर लेना है बस ये टू स्टेप प्रोसेस आप फॉलो करके देखो एटलीस्ट फॉर वन मंथ तो ये तो थी हमारे होम रेमेडीज अब बात करते हैं कि स्प्लेटेंट जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं कहने को तो पंद्रह सोलह पता नहीं कितने टाइप के भी मैं आपको गिना सकती हूँ जो कि आप पढ़ भी सकते हो जिनके बारे में बहुत सारे अलग अलग तरह के होते हैं बट अगर मैं बेसिक बेसिक मेन मेन की बात करती हूँ तो जो पहला स्प्लेटेंट होता है वो होता तो है एक बेसिक जिसमें आपके बाल जो होते हैं जस्ट दो मुहे होना स्टार्ट होते हैं जब आप अपने बालों के एंड्स देखोगे आपको दिखेगा कभी कभी एक वाइट सा आपको डॉट सा दिखेगा आपके बालों के एंड में सिर्फ एक वाइट डॉट सा दिखेगा आप अगर बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करोगे ना आपको दिखेगा तो उस केस में आपको समझ आ जाना चाहिए ये अभी बेसिक लेवल का स्प्लिट एंड है मतलब स्प्लिट एंड शुरू होने वाले हैं बट हुआ नहीं तो ये ट्रीटेबल है बिना कट करे आप इसे ट्रीट कर सकते हो सेकेंड वाला होता है ये वाला जिसमें आपको हल्का सा दिखता है कि वो दो साइड ले चुका है दो साइड ले चुका है तो इसमें क्या होता है अभी आपके जो बालों का जो मतलब ये आउटर लेयर वो खराब नहीं हुई अगर जस्ट शुरुआत हुई है तो आप समझ जाओगे कि ये अभी मॉइस्चर का बहुत ज्यादा प्यासा है तो अगर आप इसको बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज करोगे तो ये काम हो जाएगा बट अगर आप देखते हो वो पूरा खुल चुका है दो मुहे ले चुका है दोनों डायरेक्शन में जा चुका है और उससे भी नेक्स्ट लेवल का होता है जिसमें वो दो से तीन चार पता नहीं कितना हो गया उसको हम ट्री स्टाइल के स्प्लिटेंट्स बोलते हैं सो so, उनको आप क्योर नहीं कर सकते होम रेमेडी से भी अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूं अगर आपके स्प्लिटेंट्स ऊपर ऊपर तक फैले हुए हैं बहुत ज्यादा डैमेज स्टेट में है आप चाहते है नहीं हो कि आपके बालों की लेंथ खराब हो तो उसके लिए एक हैक है उसके लिए एक ट्रिक है वो क्या है कि आपको अपने बालों को ऐसे ऐसे पकड़ना है छोटे छोटे सेक्शन लेके और ऐसे ऐसे रोटेट करना है आप चाहो तो इस वाली चीज के लिए पार्लर भी विजिट कर सकते हो पार्लर में भी ये होता है बट अभी की सिचुएशन के हिसाब से आपको खुद करना पड़ेगा तो आप इसे ऐसे ऐसे रोटेट करके ये देखो फिर जो आपके जो भी स्प्लिटेंट्स वाले बाल होते हैं ना मेरे केस में दिख नहीं रहे क्योंकि है नहीं तो आपके जो स्प्लिटेंट्स होते हैं वो ऊपर ऊपर आ जाएंगे यहाँ पे क्योंकि वो वहां से दो मुए हो चुके हैं ब्रेक हो चुके हैं तो आपको वहां से दिखेंगे फिर आपको एक सीजर लेनी है आपको सीजर हमेशा बालों के लिए सेपरेट चूज करनी चाहिए ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन मैंने अपनी हेयर ट्रिमिंग वाली वीडियो में भी बताई थी अगर आपके सिर्फ नीचे ही नीचे हैं सो यू कैन गो फॉर ट्रिमिंग लेकिन अगर आपके ऊपर पहुंच गए तो उन लोगों के लिए हैक है ठीक है ट्रिमिंग के जो भी इंस्ट्रक्शन हैं जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप इस वाली वीडियो में देख सकते हो उसके बाद आपको सीजर लेनी है और ऐसे ऐसे बस कट करना है थोड़ा आपका इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन आप कर पाओगे अगर आप थोड़ा टाइम लगा के मेहनत करके करोगे ना तो आप अपनी बिना लेंथ को लूज़ किए अपने स्प्लिटेंस को हटा सकते हो सो so, ये था मेरा हैक और यहाँ पे आप हेयर ट्रिमिंग से रिलेटेड जो भी टिप्स इंस्ट्रक्शंस हैं वो देख सकते हो आपको पक्का नॉर्मल तरीके से आपको अपने बालों को ट्रिम करना है तो कैसे करना है वो इसमें समझ आएगा मेरे केस में मैंने थोड़े से ज़्यादा काट दिए थे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि नीचे ड्राइनेस मुझे दिख रहा है तो इसीलिए आप में से कई लोग बोल रहे थे कि ग्रो कैसे होंगे आपने इतने काट दिए बट बाल तो यहाँ से ग्रो होते हैं ना इधर से नहीं होते बट हाँ स्पुलेटिन डेफिनेटली हमारी एक हेल्दी हेयर ग्रोथ को कहीं ना कहीं हैम्पर कर देते हैं स्पेशली वन दे ट्रेवल अपवर्ड्स है ना ये मैंने पहले भी अपनी काफी वीडियो में बोला है तो आई एम श्योर जो पुरानी सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता ही होगा जो नए नए आए हैं चैनल पे उनके लिए मेरे को लगा कि ये इन्फॉर्मेशन फिर से देना बहुत जरूरी है सो आई रियली होप आपको आज का वीडियो लगा है अच्छा इफ द आंसर इज यस इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक करना अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में Till then, bye!